वाल्मीकि जी को संस्कृत साहित्य में आदि कवि के रूप में सम्मानित किया जाता है। वह महाकाव्य रामायण के लेखक हैं। उत्तरकांड वाल्मीकि के प्रारंभिक जीवन की कहानी बताता है। वह रत्नाकर नाम के डाकू थे जो लोगों को मारने के बाद उन्हें लूटते थे। एक बार डाकू ने अपने परिवार के लाभ के लिए दिव्य ऋषि नारद को लूटने की कोशिश की। नारद ने उनसे पूछा, क्या उनका परिवार डकैती के कारण लगने वाले पाप में हिस्सा लेगा? डाकू ने कहा, हाँ क्यों नहीं। लेकिन नारद ने डाकू से कहा, जाओ अपने परिवार से पूछ कर आओ। डाकू ने अपने परिवार से पूछा, लेकिन कोई भी पाप का बोझ उठाने को तैयार ना हुआ। निराश होकर डाकू अकेले में बैठ गया। उसे जीवन की सच्चाई धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिर उसने नारद से क्षमा मांगी। लेकिन नारद ने डाकू को भगवान की भक्ति करने की शिक्षा दी, क्योंकि भगवान विष्णु ने दिव्य ऋषि नारद को मोक्ष के राम नाम के मंत्र को प्रचार करने से मना किया था। इसीलिए नारद ने चतुराई से मंत्र को मरा मरा के रूप में लपेट दिया। लगातार उच्चारण करने पर यह मूल मंत्र राम बन जाता है। डाकू ने कई वर्षों तक ध्यान किया और राम का नाम जपा। इतना ध्यान किया कि शरीर के चारों ओर चींटियां उग आई। फिर एक रोज एक दिव्य आवाज ने उनकी तपस्या को सफल घोषित किया और उन्हें वाल्मीकि नाम दिया। वाल्मीकि का अर्थ है चींटी पहाड़ियों से पैदा हुआ। वाल्मीकि को श्री राम का समकालीन भी कहा जाता है। श्री राम अपने वनवास काल के दौरान वाल्मीकि से मिले और उनसे बातचीत की। जब श्री राम ने सीता को निर्वासित किया तो वाल्मीकि जी ने सीता को अपने आश्रम में आश्रय दिया। श्री राम के जुड़वा पुत्रों कुश और लव का जन्म इसी आश्रम में हुआ था। वाल्मीकि जी ने कुश और लव को रामायण सिखाई, जिन्होंने बाद में दर्शकों की खुशी के लिए अश्वमेध यज्ञ मंडली के दौरान अयोध्या में दिव्य कहानी को गाया। जिसके बाद श्री राम ने उन बच्चों से सवाल किया कि वह कौन है, और बाद में यह पुष्टि करने के लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में गए यह जानने के लिए कि क्या लव और कुश उनके ही पुत्र हैं। बाद में श्री राम ने लव और कुश को अपने शाही महल में बुलाया और वहां अपने ही पुत्रों से रामायण की कथा सुनी।